अंदर जो लिखा होगा वो जो है वो परफॉर्म करना होगा। मेरे का कोई भरोसा नहीं। और ये सारी डेकोरेशन ये मैंने खुद की है। ब्लैक इज लव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल यहाँ पर होने वाली बर्थडे सेलिब्रेशन, तो सबसे पहले ये चीज, ये फ्लेक्स लगी हुई है और ये डेकोरेशन मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाता हूँ। और ये सारी डेकोरेशन ऑफ द रूफ आपको नजर आ रही है, ये मैंने खुद की है और बनी हुई थी पहले से, लेकिन लगाई मैंने खुद है। ये बैक तक जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये सारी जो है मेहनत मैंने ही की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार हम ये काम स्टार्ट ही कर लेते हैं बर्थडे डेकोरेशंस का। तो मैं ऑलमोस्ट हो चुका हूँ रेडी और अब जाने की जो तैयारी करते हैं। और हमारा वहाँ पर थीम होने वाला है हनी बी, यानी कि ब्लैक और गोल्डन थीम होने वाला है वहाँ पर। 4 बजे का टाइम था लेकिन अभी 7 बज रहे हैं, तो इस बात से क्या पता चलता है, ब्राउन फैमिली जब 4 बजे का टाइम देती है तो उसका मतलब क्या होता है, 4+4, यानी कि आप लोगों ने 8 बजे तस्वीर लेके जाना है। टाइम पे चले जाते हो तो आपको सिर्फ वहां पर कुर्सियों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मुझे इन्होंने साथ लेके जाना था लेकिन मुझे तो घर ही भूल गए हैं। अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि जाने का, कि आखिर हम किस तरह जाएंगे वहां पे, या तो बाइक पे जाना पड़ेगा मुझे लगता है। चले मैं यहाँ पर तशरीफ ला चुका हूँ और मुझे बाइक के ऊपर ही आना पड़ा है। हाँ, आते ही ऑलमोस्ट आंधी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है और सारे लोग जो है वो अंदर हाल के अंदर मौजूद हैं और बाहर जो है कितनी तेज हवा चल रही है। तो कल जिस फंक्शन के हम डेकोरेशन कर रहे थे अब वो फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। हनी बी का मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो है थीम है वो हनी बी ब्लैक और येलो, यानी कि गोल्डन थीम था। और पीछे जो है वो आपको नज़र आ रही है, अगर 2 लिखा हुआ है यानी कि अहमद मुश्तबा टाइम्स 2। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताने भूल गया, ये जो है ये गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और ये गिफ्ट उन लोगों को मिलेंगे जो कि गेम्स खेलेंगे, उनके अंदर जो विन करेंगे। और गेम्स के लिए हमने बलून लिए हैं, उसके अंदर जो हमने पर्चियाँ डाली हुई हैं। हम लोग जो गेम स्टार्ट करने लगे हैं और गेम्स के लिए जो है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने बलून जो है वो तैयार किए हैं साथ में, उसके अंदर जो है ना पर्चियाँ ऐड की हुई हैं। तो इसमें से एक एक बलून जो है वो हम लोग फाड़ते जाएंगे और इसमें से देखेंगे जो पर्ची के अंदर जो लिखा होगा वो जो है वो परफॉर्म करना होगा। और 3 है, एक बच्चों के लिए है, एक कपल्स के लिए है और एक बॉयज़ के लिए। कुछ ऐसा है खाने के अंदर जो है वो टिक्के हैं, मलाई बोटी है, बिरयानी है और साथ ही साथ खीर भी है। तो खाना खुल चुका है, तो आइए एज यूजुअल पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। शब हम लोगों ने खा लिया है और अब लोग हम बाहर आए हैं और यहाँ पर जो है वो मौसम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो थीम जो था ब्लैक था और गोल्डन कलर का था हनी बी का। इन्होंने ब्लैक पहना हुआ है, इन्होंने ब्लैक पहना हुआ है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। ब्लैक इज लव। चलें ठीक है, देखते हैं कि इस बलून के अंदर से क्या पर्ची में निकलता है। इसको फाड़ो आप जरा, वाह चलो पर्ची चेक करवाओ जरा। अब ये पर्ची के अंदर देखते हैं अब क्या निकलता है, शायद इसमें मेरे लिए 500 का भी नोट निकल सकता है। चलो टेबल सुनाओ, टेबल 7 का मैं सुनाऊंगा, 30 का मेरा पूरा, तो मेरे साथ खेलने का भाई दोनों सुनाओ। चले ठीक है, वाह क्या बात है,
आगे 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 अच्छा आगे 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 नहीं नहीं काउंटिंग यू कर रहे हैं सुना अच्छा 7, 8, 56 एंड देन क्या क्या 7, 9 ना बता बता ओए 65 ओए 63 मैं जान आपको पसंद कर रहा हूँ नहीं 64 तो आता ही नहीं है 64 तो आपको ऐसे पसंद करने वाह वाह यार हमेशा आपको उल्टा जो है ना वो गलत कहेंगे खुद अपनी बात जो है ना वो नहीं मानेंगे कि इसकी पर्ची के अंदर से आखिर क्या निकला है तो ये देखो जरा क्या निकला है फिल्म का डायलॉग सुना तूने तो हम तेरे हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जो इस बलून से आएगा नहीं नहीं वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा चलें हाँ आपने परफॉर्म करना है क्वेश्चन का ये है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज के ऊपर अपने रिमार्क्स देने हैं मुझे टास्क मिला सारे सुने 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 मुझे टास्क मिला कि अरेंज मैरिज बेहतर होती है लव मैरिज मेरे ख्याल है अरेंज मैरिज बेहतर होती है ठीक है लव मैरिज का कोई भरोसा नहीं आप मूवी किसके साथ देखना पसंद एक तो ठीक है शादी से पहले आप किसके साथ देखना पसंद फिर दोस्तों के साथ श्री बच्चा श्री बच्चा These bad dads, they get hurt.